जी जी फोटो सर के साथ आप जुड़े हैं और हमारे इस इनिशिएटिव के एम्बेसडर आप बने हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप जैसे इस बिग ग्रीन गणेशा के इनिशिएटिव के बारे में? अभी थोड़ी देर पहले मामले में बात हो रही थी कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है बिग एफएम ने बिग ग्रीन गणेशा के लिए। और क्योंकि मुझे एक बात समझ में नहीं आती थी, जब भी हम लोग गणपति उत्सव मनाते हैं, हम सब लोग धार्मिक भी हैं, अच्छी चीज है ये, भगवान को मानते हैं, उसमें आस्था रखते हैं, लेकिन जब हम लोग अपने घरों में गणपति जी को बिठाते हैं तो कोशिश करते हैं कि अच्छा चप्पल बाहर उतारे, साफ सफाई रखें, और जब हम लोग विसर्जन करने जाते हैं तो हम लोग देखते नहीं, उस समय तो हम लोग विसर्जन करके आ जाते हैं, तिलक नाच गा के जाते हैं, लेकिन आपने कभी बाहर देखा होगा जब विसर्जन हजारों मूर्तियां आती हैं तो वहां पे कितनी सारी मूर्तियां ऐसी पड़ी रहती हैं। सो मुझे लगता है वो आदर भी उल्टा वो निरादर हो जाता है भगवान का। सो वो भी प्लस उसके अलावा हम लोग, मुझे ये भी लगता है कि इतना सारा पॉल्यूशन हम लोग क्रिएट करते हैं इसकी वजह से। अभी तो खैर इको फ्रेंडली काफी सारी चीजें आएगी, लेकिन हमें ये कोशिश करनी चाहिए इस इनिशिएटिव के साथ जो हम लोग मिलकर इस मुहिम को चला रहे हैं कि पर्यावरण का भी ध्यान रखें। जब आप समंदर में इतनी सारी मूर्तियां आप विसर्जन करते हैं तो बहुत सारी मछलियां जो हैं वो मर जाती हैं, और आपने देखा होगा जब भी विसर्जन होता है विसर्जन के दो चार दिन बाद उसके साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो हम लोग इस मुहिम में जुड़े हुए हैं, और मेरी दरख्वास्त है जितने भी लोग इस समय हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं कि आप लोग भी इस मुहिम के साथ जुड़े और कोशिश करें कि अपनी धार्मिक आस्था के साथ साथ पर्यावरण का भी ध्यान रखें। मेरे दोस्त हैं वो हमेशा गणपति जी जब बिठाते हैं तो वो कभी विसर्जन करने नहीं जाते हैं, एक्चुअली वो हर साल बिठाते हैं, वो वहीं पे स्नान करवाते हैं। तो बेसिकली बप्पा की गुड बुक्स में आने का कोई ये तरीका नहीं है कि वो बड़े खुश हो रहे हैं, उल्टा उनको दुखी होता है कि यार मेरी बनाई गई दुनिया जो है उसमें थोड़ा ये गलत हो रहा है कुछ। तो मुझे लगता है कि पर्यावरण को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। चलिए यार बिल्कुल मैं अभी भी सोच रहा था कि खूबसूरत सी लड़की होगी, मेरे को आवाज सुनी तो पड़ता ना। और ये इस को ध्यान अल्लाह भी पर आप बहुत अच्छा बोलते हैं सर। थैंक यू सर, शुक्रिया। अपनी फिल्म के बारे में बताएं सर। सर हमारी फिल्म जो है वो 25 सितंबर को रिलीज हो रही है, जिसका नाम किस किस को प्यार करूं आप काफी बार ले चुके हैं। तो ये बड़ी नीट एंड क्लीन कॉमेडी फिल्म है, जिस तरीके का हमारा शो है जो बच्चे देखते हैं अपने माँ बाप के साथ दादा दादी के साथ, ये फिल्म भी वैसी है। आप लोग देख सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं, हमें बड़े अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं कि यार बड़े पहले हमारी मेरी बेटी को ये पसंद नहीं है और मुझे ये पसंद नहीं है, मैं मैच देखना चाहता था, मैं न्यूज देखना चाहता था, वो ये देखना चाहती थी, लेकिन आपका शो जो है हमारी सारी फैमिली बैठ के देखती है। तो मुझे भरोसा है कि हमारी फिल्म भी जो है ये फैमिली में से कोई एक मेंबर नहीं देखने जाएगा, सब लोग साथ में देखने जाएंगे, क्योंकि ऐसी फिल्म है और हर कोई आज की डेट में हंसना चाहता है सर, इतनी सारी टेंशन है दुनिया में। तो मुझे लगता है कि ये फिल्म जो है लोगों को बहुत पसंद आने वाली है। बिल्कुल एब्सोल्युटली। मैं चाहूंगा कि यहाँ पर हम वेलकम करें बिग एफएम की ओर से, कैन बी हैव द बुकेस प्लीज। ये जाते हुए वेलकम कर रहे हैं आप, अभी तो आगे ही करना चाहिए, हमने थोड़ा अलग अलग ऐसे बीच बीच में। शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, शुक्रिया। ये मैं आपके हाथ से ले लेता हूं, क्योंकि आप मैं आप एक्चुअली तीनों के हाथ से ले लेता हूं। आप हमें पेपर डोनेट करने वाले हैं, दिए क्यों दे वो इको फ्रेंडली की थीम है ना सर। ये मैं पेपर डोनेट कर रहा हूँ आज, ये शुक्रिया शुक्रिया हमने डोनेट कर रहा हूँ सर। आप सभी जानना चाहेंगे किस किस को प्यार करूं के बारे में, जैसे कपिल ने बताया हम लोग ने ये फिल्म बनाई। हम लोग हमेशा लोग जानते हैं कि हम लोग थ्रिलर फिल्में मिस्ट्री फिल्में ऐसी बनाते हैं, तो लेकिन हमारे हमेशा फिल्मों में इंटेग्रल पार्ट कॉमेडी का रहा है। जॉनी पर लीवर या बादशाह फिल्म बनाई थी हमने शाहरुख के साथ, वो पूरी कॉमेडी फिल्म थी। तो आज वापस फिर से हमने ट्राई किए, एक कहानी बहुत अच्छी लगी थी जो हमने सुनी, तो हम लोग दो घंटा इतने हंसे इतने एंजॉय किया। तो मैंने बोला हमने बोला शायद ये ऐसा फिल्म क्यों नहीं बनाई जाए,
जो साथ में जैसे हम एंजॉय कर रहे हैं वैसे लोग भी एंजॉय करें, तो इससे न्यू जन इन एंटरटेनर फॉर द एंटायर फैमिली, और हम लोग चाहते हैं कि लोग जाके देखें फिल्म और पूरी फैमिली के परिवार के साथ और एंजॉय करें। अब्बास मस्तान सर की एक कहना है इनका कि फिल्म में हम लोग अलग अलग जोनर ट्राई करेंगे, अगर कुछ नहीं बदलेगा तो वो है सफेद कपड़े, वो हम नहीं बदलेंगे, फिल्म में अलग अलग करेंगे। जी अब्बास भाई, लेकिन हम लोग तो कपिल जी ने करेक्ट कहा। अच्छा, हम लोग तो ये बोलना चाहते हैं कि ये पिक्चर रियली जो हम लोग को सब्जेक्ट इतना अच्छा लगा था, और सब्जेक्ट सुनते ही हम लोग ने सोचा कि ये इसकी कास्टिंग क्या होगी, तो हम लोग इनके शो बहुत देखा करते थे घर में, हमारी फैमिली सब लोग लाइक करते थे। हम लोग ने हमारे राइटर अमिताभ गोस्वामी से कहा कि कपिल शर्मा का वहाँ मूवी देखते ही वो भी इनके राइटर ही है, तो हम लोग ने सोचा कि कपिल शर्मा को अप्रोच किया जाए और उनके साइड में सब्जेक्ट सुनाया जाए। जब इन्होंने सब्जेक्ट सुना तो बहुत अच्छा लगा कपिल को, मैंने कहा अब ये पिक्चर हम लोग करते हैं, इससे वेरी गुड सब्जेक्ट, सब लोग इन्जॉय करेंगे। आप जिन्होंने इनका शो देखा है ये कहानी के साथ पूरी फिल्म देखेंगे और सब लोग इन्जॉय करेंगे। चारों लड़के हैं, तीन उनकी वाइफ है और एक इनके गर्लफ्रेंड है, एंड एवरीबॉडी विल एंजॉय। एक बीवी भी तो है ना, साथ में कॉम्प्लीमेंट भी जो मिली है, तो सब लोग बहुत इन्जॉय करेंगे। मगर आगे क्या होगा ये तो हमारी पिक्चर में कुछ ना कुछ ऐसा रहता ही है, देखने इसमें भी कैसे सॉल्व करके कैसा होता है। और कपिल शर्मा ने इसमें जो ड्रामेटिक सीक्वेंस किए बहुत कमाल के किए, जो डायलॉग्स में लिए हैं, एंड थैंक यू, मैं तो बोलता हूँ इनके लिए क्लैप कर दीजिए, पिक्चर में आप क्लैप मारो। और इन्होंने इंटरवल सीन किया है जो हमको बहुत अच्छा लगता है, उन्होंने एक शॉट में किया है, हमको लगता है कि किसी एक एक्टर को एक शॉट में एक सीन करवाना इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि वहाँ पे मार्किंग, ये चौक मार्क, ये मार्क, इतने यहाँ से जाना उतना बैठना, और इन्होंने एक शॉट में किया है, सुपर किया है, वो देखेगा तो आप लोग। मगर पहले तो हमको लगा कि एक शॉट में कैसे करेंगे सर, मगर उन्होंने एक शॉट में किया है जिसमें ह्यूमर भी है और एक ड्रीम के अंदर आदमी किस तरीके से बोलता है, तारीफ इतनी और जो अब्बास ने कहा कि ये फर्स्ट टेक में ओके हो गए, उसके रीटेक की जरूरत नहीं पड़ी। और उसके बाद हम लोग ने सुबह का खाना मंगाया था, वो हमारा खाना वेस्ट हुआ क्योंकि हम लोग को जल्दी शूटिंग खत्म करनी पड़ी, इन्होंने एक शॉट में अच्छा सा टेक दे दिया, उसके बाद सेकंड टेक की जरूरत पड़ी। थैंक यू। आई ना, आई यहाँ आई है। भावना जी कुछ कहना चाह रही हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं बहुत ही स्ट्रेसफुल काम होता है, और जितनी हाई पोजीशन होती है उन पर उतना ज्यादा प्रेशर होता है, और जब कभी हम बीएफएम के लोगों को मिलते हैं पैसेज में तो सबके आईब्रोज ऐसे होते हैं और बहुत थके हुए लगते हैं, सिर्फ कि जब लिफ्ट में मिले हमको और वो घर जा रहे हैं। आज पहली बार कपिल के आने से सबके यहाँ और चेहरे पर रौनक आ गई। मैं समझ सकता हूँ, ये इतना स्ट्रेसफुल होता है, ये जो एक शीशे वाले ऑफिस लगे रहते हैं ना, एसी लगे रहते हैं बिना खिड़की वाले, ये बहुत स्ट्रेसफुल, मैं समझ सकता हूँ। मेरे पड़ोसी हैं, उनको इतनी टेंशन रहती है ना मैम, वो मतलब उनको कोई पता, मेरे ख्याल से सेल्स में है वो, सारा दिन उनको ये टेंशन रहती है टारगेट ये वो, भगवान आपका भला करे ऐसे हंसते रहो। अच्छा, वो सेल्स में उनको इतनी आदत होगी ना, रात को दो ड्रिंक मार के उन्होंने मुर्गियां रखी करनी चाहिए छोटी छोटी, उनको बोल रहे सुबह दो दो अंडे चाहिए, सभी मुर्गियों ने दो दो अंडे दे दिए, एक ने एक दिया, उस पर भड़क रहे, मैंने कहा दो अंडे चाहिए, वो कहती है तो मैंने आपके डर की वजह से दे दिया, वैसे तो मैं मुर्गा हूँ। बड़ा भाई, आप लोगों को तो भगवान खुश रखे हमेशा, बहुत मुझे, मैं समझ सकता हूँ आपके ऊपर क्या बीती जब टारगेट दिए जाते हैं आपको। अच्छा, कुंवारे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता पता, उनको थोड़ा टेंशन होती है उल्टा जब टारगेट दिए जाते हैं, आप लोग समझ सकते हो, शादीशुदा आदमी को टेंशन नहीं होती एक्चुअली कि चलो मैं घर लेट जाऊंगा, कोई बीवी का मुंह थोड़ा लेट देखने को मिलेगा, कुंवारे आदमी को टेंशन होती है, आप शादीशुदा आदमी को बेचारे को होता है कि चलो, पर उसकी प्रॉब्लम वही होती है जब घर जाता है ना, ये टारगेट वगैरह कंप्लीट करने के चक्कर में कि चलो यार टारगेट कंप्लीट करते हैं, ये वो जाते हैं, बीवियां अलग से रात को भड़कती हैं, तो मुंबई जैसे शहरों में आप 8 बजे ऑफिस बंद होता है
दो घंटे ओवर टाइम करते हो, 10 बजे तक दो घंटे ट्रैफिक में, 12:30 घर पहुंचते हो, आपका टारगेट वैसे कंप्लीट हो चुका होता है। तो बीवियां फिर भड़कती हैं कि कहां से आ रहे हो इस समय, ये वो तो बंदा भी भड़कता है यार, सारा दिन मेहनत करके आया कि क्या करूं, टारगेट नहीं कंप्लीट करना, कंपनी ने टारगेट दिया कंप्लीट ना करूं। तो बीवियां वो भी बेचारी सच्ची होती, कहती काहे का टारगेट, जब नई नई शादी हुई तब तो कोई टारगेट नहीं देती थी कंपनी तरफ, तब तो रात 9 बजे मैं तेरा टारगेट होती थी। भगवान आपको हमेशा खुश रखे और बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए किस किस को प्यार करो। वो भी अपना 25 सितंबर, वो तो सर याद है, बड़ा बड़ा लिखा है, कभी भूल नहीं सकते, सबको याद है ना कभी आ रही है 25 सितंबर को भाई 2015 पता चले साल बाद में। तो ये केक में हमारी खुशी में मजा आ गया जी जी बिल्कुल, इतनी इज्जत देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे कभी जन्मदिन पे नहीं किसी ने केक काटा। बिरला व्हाइट वॉलकेयर जो है हमारे साथ जुड़े हैं बिग गिंग गणेशा से, तो मिस्टर केदार ले लिया हमारे साथ हैं, तो केदार जी